लोकसभा चुनाव की मतगणना 23 मई को होगी। बाड़मेर लोकसभा सीट की मतगणना का कार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में होगा। मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मंगलवार को जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता व जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी ने मतगणना स्थल का दौरा कर व्यवस्थाएं देखी और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव की मतगणना 23 मई को प्रातः 8 बजे से जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में होगी। मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से समुचित व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। बाड़मेर संसदीय क्षेत्र की मतगणना के लिए 154 टेबलें लगाई गई हैं। इसमें 145 मतगणना एवं 9 सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा ETPBS एवं पोस्टल बैलेट पेपर संबंधित टेबलें शामिल है। विधानसभागार अलग अलग कक्षों में टेबलवार मतगणना होगी। गुरुवार को होने वाली मतगणना को लेकर मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता और जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी PG कॉलेज पहुंचे। उन्होंने व्यवस्थाओं की जानकारी ली और तैयारियों का फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। SP ने PG कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। मतगणना को लेकर बाड़मेर जिले में 2 RSE की कंपनियां भी उपलब्ध कराई गई है। मतगणना दिवस पर वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था आदर्श स्टेडियम एवं रामूबाई स्कूल के पास की गई है। देखिए 23 तारीख को जैसे आपको सबको पता है हमारी मतगणना है, तो पूरी व्यवस्था माकूल है और हमारे 145 टेबल्स हैं जहाँ पे काउंटिंग की जाएगी। विधानसभा वार सबसे ज़्यादा राउंड जो 54 के हैं, तो राउंड वार हमने व्यवस्था पूरी कर रखी है। सारा स्टाफ डिप्लॉय कर दिया है, ट्रेनिंग करा दी है। पुलिस की ओर से पर्याप्त सुरक्षा रहेगी और जो काउंटिंग एजेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनको हमने पासेस जारी कर दिए हैं। तो अपेक्षा और अपील यही है सबसे कि आप शांतिपूर्वक जैसे हमारा चुनाव रहा है उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बाड़मेर में जो काउंटिंग है तो उसमें भी शांतिपूर्वक हमारी व्यवस्थाएं सुचारू रहे। EVM को लेके जितने भी चुनाव आयोग के निर्देश हैं हमने अक्षरक्ष उनकी पालना करी है। जैसे आप अभी आपको मैंने अभी दिखाया भी था, जितने हमारे स्ट्रॉन्ग रूम हैं उसके बाहर CCTV कैमरा 24 आवर्स चल रहे हैं और 24 आवर उनका बैकअप भी हो रहा है। तो कोई भी आदमी कभी भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से भी कोई देखना है, आप अगर रजिस्टर चेक करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बहुत सारे लोग टाइमली आते रहते हैं, इसको चेक करते रहते हैं। ऐसी स्थिति जो आप बता रहे हैं हमारे यहाँ पे बाड़मेर में नहीं है, शांतिपूर्वक सारी व्यवस्था चल रही है। सर, तरीके की सुरक्षा? देखिए, हर बार की तरह त्रिकोणीय सिक्योरिटी है, 3 चक्र में सिक्योरिटी है। इसमें हमारा पुलिस का जाब्ता RSE है और BSF भी है। हमें PHQ से और भी जाब्ता मिला है, 3 कंपनियाँ मिली हैं टोटल RSE की। अन्य जिलों से भी जाब्ता मिला है और सिक्योरिटी में हमने इस परिसर के रामूबाई कॉलेज और जो हमारी चौकी है वहाँ पर ट्रैफिक रोका है। बाकी पूरे शहर में ट्रैफिक चलेगा, हर जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के, जाब्ता हर जगह मौजूद रहेगा। जुलूस के लेकर पहले भी परमिशन नहीं थी और अभी भी परमिशन है। मैम, एक मोटा मोटी दिखती है कि जिस समय काउंटिंग चल रही होती है उस समय मोह भी कटा हो जाती है आसपास के महाविद्यालय परिसर के आसपास में, तो उसको लेके क्या व्यवस्था कीजिए ताकि नहीं इकट्ठा हो पाए? देखिए, जगह 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 बैरिकेडिंग की हुई है, जगह जगह पिकेट्स लगाएंगे हम, अपने नाका पॉइंट्स लगाएंगे और कहीं भी भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा, और फिर भी होती है तो व्यवस्थित ढंग से उनको डाइवर्ट किया जाएगा। मतगणना ड्यूटी में लगाए गए समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गुरुवार को प्रातः 5:30 बजे तक राजकीय महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। मतगणना के दौरान समस्त क्रामिकों, उम्मीदवारों, निर्वाचन एवं मतगणना अभिकर्ताओं को मेटल डिटेक्टर से जांच करने के बाद ही मतगणना केंद्र में जाने दिया जाएगा। मतगणना परिसर में मीडिया के लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मतगणना दिवस पर सेंदरी चौराहे, जलदाय विभाग के पास से अंदर की ओर एवं ग्रेफ के आगे वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।